तो भाई ये अपना वीडा का V1 Pro जिसे मैं पिछले 3 महीने से चला रहा हूँ भाई, 2800 किलोमीटर चला लिया है। इतने चलाने के बाद मुझे क्या पॉजिटिव लगा है, क्या नेगेटिव लगा है, क्या दिक्कतें मुझे देखने को मिली हैं और सर्विस सेंटर से मुझे क्या रेजोल्यूशन मिला है, सब इस वीडियो में आज आपको पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसके एक्सपीरियंस से। तो अपना एक्सपीरियंस कुछ भाई ऐसा है, मैं इसे डेली टू डेली यूज करता हूँ। 20 से 25 किलोमीटर घर से चला गया बाजार या फिर और भी जो आलतू फालतू काम होते हैं या फिर किसी बंदे के पास रिव्यू करने भी जाना है उसमें भी यूज करता हूँ। डेली 20 से 25 किलोमीटर चलना होता है मुझे स्कूटर पे, जिस हिसाब से मेरी जो मंथली रनिंग बैठती है वो बैठती है भाई 750 किलोमीटर की। इस स्कूटर को फुल चार्ज करने में लगते हैं भाई पूरे 7 घंटे, क्योंकि इसके अंदर 4 किलोमीटर का बैटरी पैक है। और अगर मैं यूनिट की बात करूं कि बिजली कितनी लगती है, तो आप मान सकते हैं 4 से 4.5 यूनिट बिजली लग जाती है। अगर दिल्ली में देखोगे वो यूनिट कितने की बैठती है, तो 20 से 22.5 रुपये में ये फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद मोटी मोटी स्पेक्स भी फटाफट से बता देता हूँ। इसकी टॉप स्पीड है भाई 80 की, 0 to 40 जाता है 3.2 सेकंड में। चार्जिंग टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 7 घंटे। 4 किलोवाट आवर की 2 बैटरी पैक है, 2 किलोवाट आवर और 2 किलोवाट आवर, जो कि रिमूवेबल है, यानी आप इसे निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। साइड माउंटेड डिस्क के अंदर मोटर लगी हुई है जिसका पीक पावर है 6 किलोवाट, नॉमिनल वाला है 3.3 किलोवाट। और अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव में सबसे पहली तगड़ी चीज जो लगती है भाई वो है इसकी पावर। इसकी जो मोटर है भाई वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको टॉर्क देती है, और एक बंदा बिठाओ दो बंदा बिठाओ ऐसे कोई परफॉर्मेंस में लैग फील नहीं होता। टोटल रिस्पॉन्स इसका बहुत ज्यादा तगड़ा है। 0 to 40 3.2 सेकंड में जाती है, जैसा आपको एथर के वॉक मोड में फील होता है वैसे ही सेम फील होता है आपको इसके स्पोर्ट्स मोड में। इसके अलावा इसे हमने भाई चढ़ाई पे भी चढ़ाया है और चढ़ाई पे भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। उसमें नेक्स्ट चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है भाई इसकी बिल्ड ओवर। मुझे मेन जो पार्ट है ना इसके काफी मजबूत से फील होते हैं भाई। कुछ चीज ऐसी हैं जो आपको लगेगी पैनल वगैरह में कि हाँ भाई थोड़े से कमजोर है, लेकिन जो इसके मेन पार्ट है इसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है। स्कूटर का आप हैंडल पकड़ लो आपको पता लग जाए कि भाई आपने कोई हैवी सा स्कूटर पकड़ लिया। फिर उसके हमने सस्पेंशन भी चेक करे हैं, आराम से घंटे ऑटो में निकल गई। ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये काफी कमजोर इलेक्ट्रिक स्कूटर है, आराम से ब्रेक झेल जाती है, चलाना मत। अगली जो पॉजिटिव चीज मुझे लगती है भाई वो है इसकी फास्ट चार्जिंग, और इनका खुद का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी है और ये एथर के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को भी सपोर्ट करती है। उसके बाद सीट भी मुझे काफी अच्छी लगी है, काफी लंबी सीट है भाई इसकी, नॉर्मली पेट्रोल स्कूटर में भी इतनी नहीं होती है और आई थिंक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी सबसे लंबी जो सीट है वो इसी की है। और ये कंफर्टेबल भी नजर आती है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं लेकिन हाँ दुख भी नहीं देती है, बीच की आप कह सकते हो। उसके बाद बूट इसमें भी मुझे काफी तगड़ा लगता है भाई इसका। चार्जर भी रखने के लिए अलग से जगह देखने को मिल जाती है। चार्जर की वजह से ये वाला जो कंपार्टमेंट है हैम्पर नहीं होता है, इसमें हाफ फेस हेलमेट आ जाता है, फुल फेस भी आ जाता है, उसके बाद भी थोड़ी सी जगह बच जाती है। और उसकी बैटरी को भी भाई निकाल के हम चार्ज कर सकते हैं अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट नहीं है। ये है इसकी भाई 2 किलोवाट आवर की बैटरी, ये है इसका चार्जिंग जैक, जिसे आप जो स्कूटी चार्ज होता है वही इसका चार्जिंग जैक होता है, और ये सिंगल बैटरी पे भी चल जाती है। उसके बाद इसकी जो हैंडलिंग है भाई वो भी काफी अच्छी है। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, स्कूटर को चलाना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि इसका जो बैलेंसिंग है काफी अच्छी करी गई। पॉजिटिव के बाद पहला जो नेगेटिव आता है भाई वो होता है इसकी डिस्प्ले को लेके। इसमें जो फीचर है भाई वो नाम किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है 7 इंच के टच स्क्रीन क्यों दिए भाई। अगर ये टूट जाती है तो 15,000 रुपए लगेंगे। अगर लगाई है तो उसमें कुछ फीचर तो डालो। इसमें कोई ऑनबोर्ड नेविगेशन नहीं है, कोई भी फीचर नहीं है भाई इस डिस्प्ले के अंदर, बस ये नाम की डिस्प्ले इन्होंने लगा दी है, जिसकी वजह से स्कूटर चलाने में तो अच्छा है, परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है, लेकिन फीचर लेस फील होता है। आज के जमाने के हिसाब से जहाँ पे एथर और ओला अवेलेबल है ये स्कूटर थोड़ा बोरिंग फील होता है। अगला नेगेटिव है भाई इसका मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे जब भी चलाओ 50-50% रेशियो है भाई, मन कर गया तो चल जाएगा, नहीं मन कर गया तो नहीं चलेगा, ये यहीं पर अटक जाता है। इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कनेक्शन फेल्ड, मतलब अलग अलग तरह के ग्लिचेस वगैरह इसमें आते रहते हैं। अब इस ऐप का सिर्फ एक ही तगड़ा काम है भाई, इस स्कूटर को स्टार्ट करना जिसमें भी ये फेल हो जाता है भाई। कई बार मैंने इसे हफ्तों तक सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन से यूज करा था कि मैं इसका एक्सपीरियंस देख पाऊँ, उसमें ये सीधा फेल हो जाता है भाई। कई बार मैं अटक गया हूँ, एक बार मैं किसी मॉल की लॉबी में था, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो वहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा था, तो इस तरह से मैं कई बार फंस चुका हूँ। तो ये ऐप मान के चलो बिल्कुल बगी है, इनका किसी काम का नहीं है। उसके बाद जो अगला नेगेटिव लगा भाई वो है रेंज को लेके। इस स्कूटर में जो मुझे रेंज मिल रही है नॉर्मली वो 90 से 100 के आसपास मिल जाती है सिंगल बंदे में, और अगर आप दो बंदों के साथ चलाओगे तो आपको 80-90 के आसपास मिलेगी। सिटी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, वैसे रेंज वेरी करता है यूजर टू यूजर, लेकिन फिर भी मैंने नोटिस करा है इसकी बैटरी पैक 4 किलोवाट आवर का है, उसके हिसाब से जो रेंज आती है वो काफी कम आती है भाई। एथर से आप कंपेयर करोगे, ओला से कंपेयर करोगे तो बैटरी इफिशियंसी के मामले में स्कूटर काफी नीचे है, और जब बैटरी इफिशियंसी कम होती है तो आपकी रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब 2800 किलोमीटर चलाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी आई है भाई, लेकिन प्रॉब्लम से पहले मैं इंप्रूवमेंट्स को बताना चाहूंगा जो मुझे स्कूटर में नजर आई है। तो सबसे पहले जो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए भाई वो है इस बटन के अंदर।
इस बटन के बारे में मैंने आपको राइड रिव्यू में भी बताया था कि भाई ये बटन मुझे थोड़े लोकल क्वालिटी के लगते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये दिक्कत देते हैं, अब इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद ये वाले जो बटन है ये भी मैं कहूँगा काफ़ी हार्ड है, इन्हें आप दबाते हो तो उंगलियों में दर्द होने लगता है, चाहे कोई से भी बटन हो, स्पेशली ये वाला जो बटन इससे हम कंट्रोल करते हैं काफ़ी तीखे से हैं भाई। ये देखो निशान भी पड़ जाएगा, अगर मैं जोर से दबाता हूँ तो निशान सा पड़ गया है, तो इन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद लुक्स में भी जरूरत है इंप्रूवमेंट की। सबसे पहले मुझे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बेकार लगता है भाई, ये मतलब बिल्कुल जुगाड़ टाइप फीलिंग दे रहा है, ये वायर निकल रही है या बैटरी कंपार्टमेंट दिख रहा है, एटलीस्ट ये कवर होना चाहिए भाई। 1,45,000 के स्कूटर में ये एक्सपेक्टेड नहीं है भाई। ऊपर से यहाँ ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऑड फीलिंग आती है। ये डिस्प्ले जो ये तो फ्यूचरिस्टिक वाइब दे रही है, लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये ओला के S1 एक्सप्रेस जैसी वाइब दे रहा है भाई। खाली खाली ये वायर दिख रही है, केबल टाई दिख गई भाई ये, तो ये हो गया भाई देसी पना, ये हो गया फ्यूचरिस्टिक पना, दोनों मैच ही नहीं खा रहे भाई, तो बिल्कुल भी अच्छी लुक ये नहीं देता है। उसके बाद चार्जिंग पोर्ट को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है भाई। यहाँ पे इसे हम लगा देते हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि ये चार्जिंग करता ही नहीं है भाई, हम लगा भी देते हैं, सीट भी बंद कर देते हैं, प्रॉपरली लगाते हैं फिर भी ये वर्क नहीं करता है, तो इसे भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हालांकि इसका दूसरा चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी है, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत फेस नहीं हुई है। ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, ये है अपनी होम चार्जिंग का, इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद सीट के अंदर भी एक प्रॉब्लम है भाई कि इसे ना ढंग से सील नहीं किया गया है। अगर तेज बारिश आ रही है या फिर अगर बाइक को ढंग से धो रहे हो तो अंदर पानी चला जाता है भाई, जिससे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कागज भीग सकते हैं, मेरा भी भीग गया था भाई एक, तो इसे भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। और आखिरी इंप्रूवमेंट बोलूंगा भाई मैं इनकी बैटरी वारंटी को लेके, इसकी जो बैटरी वारंटी है सिर्फ 3 साल और 30,000 किलोमीटर है, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम है। बजाज चेतक भी 40,000 किलोमीटर दे देता है, ओला भी 80,000 किलोमीटर की वारंटी दे देता है, बट हीरो इतनी बड़ी ब्रांड होने के बाद भी इतनी कम वारंटी दे रहा है, आई थिंक इसे भी इम्प्रूव करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, जो मैंने इन 3-3.5 महीने या फिर 2600 किलोमीटर इसे चलाने के बाद फेस करी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आ रही थी वो थी भाई इस स्कूटर को स्टार्ट करने में। मैंने आपको बताया कि भाई ये वाला जो बटन था जिससे स्कूटर स्टार्ट होता है, ये ठंड के टाइम में मैं करूँ इसमें घूसा मारो या पैर की एड़ी से स्टार्ट करना पड़ रहा था, अंगूठे से ये नहीं स्टार्ट हो रहा था। दूसरा यहाँ पे ये था कि भाई इस स्कूटर को मैंने कई बार चार्ज पे लगाया है और सुबह मैं सडनली सरप्राइज हो जाता हूँ कि मेरा स्कूटर चार्ज ही नहीं हुआ, जबकि मैंने सब कुछ कन्फर्म करा था कि चार्जिंग का जो LED इंडिकेटर होता है वो ग्रीन लुप लुप कर रहा है, लेकिन फिर भी सरप्राइज कर देता है मेरे को। ऐसा मेरे साथ लगभग 8-10 बार हो चुका है और मैं सबको ट्राई कर लिया लेकिन उसका मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। तीसरी जो प्रॉब्लम आई वो थोड़ी सीरियस है भाई, वो है इसके लिंप होम को लेके। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि लिंप होम वाली जो दिक्कत थी वो मुझे ज्यादा नहीं आई है ओरो के मुकाबले में, और लोगों को थोड़ी ज्यादा आ रही है वो चीज़। लिंप होम क्या होता है, लिंप होम एक आप कह सकते हो सेफ्टी फीचर होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि स्कूटर के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, लेकिन ये जो फीचर है ना कई बार फॉल्स डिटेक्शन कर लेता है, स्कूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है लेकिन वो फीचर एक्टिवेट हो जाता है और आपका स्कूटर होल्ट मोड में आ जाता है, साइड में पार्क करना पड़ जाता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम अभी तक 8-10 बार हुई होगी और उसमें 2 बार ऐसा हो गया कि चलते रोड पे मेरे साथ ऐसा हो गया था। मैं रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, जैसी रेड लाइट ग्रीन होती है मैंने इसे स्टार्ट करा, लिंप होम लिखा गया भाई, फिर स्कूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसमें लग जाता है टाइम, और पीछे वाला ट्रैफिक फिर किसी की सुनता थोड़ी है, उन्होंने भाई मेरे ऊपर फूल बरसाने चालू कर दिए मुँह से अपने, और बेइज्जती सी हो गई मेरी। खैर कहने की बात ये है कि भाई दिक्कत ही रहता है इसका लिंप होम फीचर, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, मेरे को पर्सनली कम हो रही है लेकिन और लोगों को तो थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अब प्रॉब्लम के बाद बात आती है कि भाई सर्विस सेंटर से मुझे क्या सपोर्ट मिला है या सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। तो सर्विस सेंटर जो था भाई वो काफ़ी ऑर्गेनाइज फील हुआ मुझे, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से वहाँ पे काम होता है भाई। एक शीशा होता है भाई जिसके एक तरफ बैठते हैं कस्टमर, दूसरी तरफ भाई सर्विस का काम चल रहा होता है। इस स्कूटर को पूरा खोला जाता है भाई, ईच एंड एवरी पार्ट को खोल के फिर बंद कर देते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर से डेटा रीडिंग भी ली जाती है, डायग्नोस्टिक किया जाता है स्कूटर के अंदर की भाई सॉफ्टवेयर लेवल पर कोई कमी तो नहीं है। इस तरह से इनका भाई पूरा सर्विस का काम होता है जिसमें 1-1.5 या 2 घंटे भी लग जाते हैं। और यहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सबसे पहले उन्होंने जो मेन वाला बटन था, ये वाला जो बटन था इन्होंने सॉल्व कर दी। हुआ सीन ये था कि भाई इसके अंदर जो कनेक्टर होते हैं उनके बीच में गैप बन गया था, जिसके वजह से मैं घूसा मारने पे स्टार्ट हो रहा था ये, लेकिन उन्होंने फिर सॉल्व कर दिया, अब ये इजीली एक बार प्रेस करने से स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन अभी भी मुझे फील होता है थोड़ा लो क्वालिटी का बटन है। दूसरी चीज जो मेरे को सॉल्व करवाई थी लेकिन वो नहीं हो पाई वो थी वो भाई इसकी चार्जिंग वाली। मैंने वहाँ के बंदों को बताया कि भाई मेरे स्कूटर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, स्कूटर चार्ज नहीं होता है भाई, सब कुछ ढंग से कनेक्ट करने के बाद भी, लेकिन वहाँ से मुझे कोई ढंग का सोल्यूशन नहीं मिला। और ये भाई मेरे पुराने इंडिकेटर जो कि कुत्तों ने चबा दिए थे भाई, ये भी मैंने रिप्लेस करा दिए हैं और अब लग चुके हैं नए वाले इंडिकेटर, और ये लग गई भाई नंबर प्लेट वाली लाइट। ये आई थिंक 325 और 400 टोटल मिला के 1,000 रुपये खर्चा आया। तो अब बात करते हैं भाई कॉन्क्लूजन की, भाई पूरी कहानी का सार निकल के क्या आता है। तो भाई देखो हीरो जो एक ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया के अंदर, उसी की सब ब्रांड है हीरो वेडा।
आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है इस प्रोडक्ट से, लेकिन मैं कहूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशन को ज्यादा मत रखना, क्योंकि एक फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है और फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट में भाई प्रॉब्लम्स आती हैं, और मैंने आपको बता भी दिया कि मुझे आई है, औरों को जो आ रही होंगी आप उनकी वीडियो भी देख सकते हो, इंप्रूवमेंट क्या क्या नीड थी वो मैंने आपको बता दिया है। जेन 2 में भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन जेन 1 में जो प्रॉब्लम आई मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए लेना सही है या फिर नहीं है, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं भाई, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि भाई मेरे रिव्यू इतने कम क्यों आते हैं, देखो उसका रीजन आपको सीधा समझाए तो मैं अनबायस वीडियो बनाता हूं, जो अच्छा होता है अच्छा बताता हूं, जो नेगेटिव होता है उसे नेगेटिव बता देता हूं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन ये चीज ब्रांड्स को पसंद नहीं आती है भाई, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड हो। इसलिए वो मेरे को अपना स्कूटर या बाइक देने में थोड़ा कतराते हैं, इजिली मेरे को प्रोवाइड नहीं करते हैं, और आप जैसे ही बंदे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपको थोड़ी जल्दी वीडियो चाहिए तो आपको ही मेरी हेल्प करनी होगी भाई। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाता है जो कि लेटेस्ट आया हुआ है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो कि भाई तरुण भाई मेरा स्कूटर अवेलेबल है एक दिन के लिए, 2-3 घंटे के लिए, आप इस पर रिव्यू बना लो, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं भाई। ऐसा आप कर सकते हो, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अब मैं बता देता हूं भाई, वैसे रेट कितना करूँगा इस स्कूटर को, 10 में से मैं इसे टोटल रेट करूंगा 7.5। और उसके बाद ये बता देता हूँ कि भाई किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए। तो देखो, एक वो बंदे होते हैं जिनके लिए मैं कहूँगा यही स्कूटर है, वो है भाई वो बंदे जिनके पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट नहीं है, उन्हें बैटरी निकाल के चार्ज करनी पड़ती है, तो उनके लिए तो 1 and low स्कूटर यही हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप स्कूटर को चार्ज कर सकते हो अपनी पार्किंग में, तो फिर आप इसी बजट में जो कि 1,45,000 वाला सेगमेंट है, और ऑप्शन को भी देख सकते हो। ओला कैसन प्रो जेन 2 आ गया, iQube S आ गया, बजाज चेतक भी आ जाता है अब तो, और फिर ये भी हो जाता है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। एक चीज जो यहाँ पे डिफिकल्ट हो गई भाई, वो ये है कि इस बजट में कौन सा स्कूटर लें, क्योंकि रिसेंटली आप देख रहे होगे प्राइस में बहुत ज्यादा अप डाउन होता जा रहा है, जिसके वजह से आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में कितनी सब्सिडी मिल रही है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ऑनलाइन ले रहे हो ऑफलाइन ले रहे हो, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है और मुझे बता देना भाई आपकी क्या नीड है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। कैसा लगा रिव्यू आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।